नमस्कार राधे राधे सभी को। आज मैं बात करने वाली हूँ गंगा दशहरा के बारे में, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी चीज़ आप सभी को दिखाना चाहूँगी, क्योंकि ये जो साल है ना, ये शनि का साल है और इस साल में आपको ज़रूर से ज़रूर, कम से कम इस साल और आने वाले साल, ये दोनों साल, इस बार तो शनि जी जो है वो मंत्री हैं और मंगल जो है वो राजा हैं संवत के हिसाब से। नेक्स्ट ईयर जो है वो शनि राजा हो जाएंगे और मंगल जो हो जाएंगे मंत्री। तो इस साल आपको इस चीज़ का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। मेरे हाथों में आप देख पा रहे हैं, ये कस्तूरी है, ठीक है। कस्तूरी एक तरह का इत्र आप इसे कह सकते हैं। ये इत्र है जिसे आपको यूज़ करना है। किस तरह का इत्र है मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। जैसे ये मेरे पास बहुत सारी है, मैं चाहती हूँ कि आप सभी यूज़ करें। अगर आपके आसपास कहीं पे अवेलेबल है तो ज़रूर लीजिए, और नहीं है तो मेरे पास से ऑर्डर कर सकते हैं। 2,000 रुपये इसकी प्राइस है और 200 रुपये मैं लूँगी डिलीवरी चार्जेस। तो ये जो चीज़ है ये देख लीजिए, ये इस तरह से रहती है कुछ। और ये जो है ना कस्तूरी, आप जानते होंगे हिरण की जो नाभि होती है उससे इसको बनाया जाता है, थोड़ा कॉस्टली आता है। तो ये जो चीज़ है इसको आप इस तरह से अपने हाथों में रोज़ लीजिएगा। ये जो आपने लिया ये हाथ में मेरे आ गई, आपको ये दिखेगा नहीं बट ये स्मेल इसका बहुत ही अच्छा है। इसको यहाँ पे आपको रेगुलर लगाना है। इससे क्या होता है कि शनि शांत होता है। जिसकी भी शनि दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, जो भी चीज़ें चल रही है, उनका ये यूज़ करना अति उत्तम है, बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इस तरह की कस्तूरी अगर आपको मिल जाती है आप ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये जो है ओरिजिनल होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और इससे क्या होगा कि आपकी शनि की दशा अंतर्दशा हो या फिर किसी भी तरह की समस्या चल रही हो लाइफ में, शनि से परेशानी हो, तो ये चीज़ सही होता है। इवन अगर कुछ नहीं भी चल रहा है तो भी इसको यूज़ करिए, क्योंकि ये 2 साल बहुत ज़्यादा जो भी स्ट्रगल्स हैं, डिलेज हैं, वो सारी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो ये मेरे पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे कस्टमर्स ने, क्लाइंट्स ने ऑर्डर किया, आप भी कर सकते हैं। प्राइस मैं बोल चुकी हूँ, तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर जो नंबर दिया गया है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज मैं बात करूंगी गंगा दशहरा के बारे में। गंगा दशहरा जो कि है कल का दिन, क्या है इस दिन, क्यों इतना खास है, क्या किया जाता है, क्यों लाखों लाखों लोग गंगा जी में जाकर डुबकी लगाते हैं, नदियों में जाकर डुबकी लगाते हैं, और क्या है इसका महत्व, तो चलिए बताती हूँ। उसके पहले छोटा सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि सबका भला हो, हमारा भी भला हो। तो चलिए बात करें गंगा दशहरा के बारे में। आज का जो दिन है यानी कि मैं बात कर रही हूँ 16 जून के, 16 जून जो है वो गंगा दशहरा है, और 18 जून को है निर्जला एकादशी। एकादशी की वीडियो में बाद में बताऊंगी आपको, बनाऊंगी, लेकिन आज मैं बात करूंगी गंगा दशहरा के बारे में। इस दिन जो है माता गंगा की पूजा की जाती है, जो हमारी धरती पर उतरी हैं, भागीरथ जो है वो लेकर आए हैं। इस दिन बहुत ही खास होता है गंगा स्नान करना। सवेरे उठकर चले जाइए, आपके आसपास में अगर कहीं गंगा है तो चले जाइए, कोई पवित्र नदी है तो चले जाइए, जाकर ज़रूर ज़रूर डुबकी लगाइए। गंगा में स्नान अगर आज के दिन करते हैं तो कहा जाता है हर प्रकार के पापों का नाश होता है, हर प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। अगर बहुत दिनों से कोई बीमारी चल रही हो, बहुत दिनों से कोई रोग व्याधि आपके शरीर में हो, सारे कष्ट दूर होते हैं, सर्वाइकल प्रॉब्लम है या फिर किसी भी तरह की सर दर्द है, माइग्रेन है, जो भी है। आजकल क्या होता है ना कि हम जब नहाने के लिए जाते हैं तो अधिकतर लोग शावर का यूज़ करते हैं, तो आप और मैं भी शावर का यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, नॉर्मली तो मैं कहूँ कि हर व्यक्ति जो है वो गलत तरीके से नहा रहा है। जब भी हम शावर ओपन करते हैं सबसे पहले जो है हमारा वो सर भीगता है और उसके बाद पूरे शरीर में पानी आता है। एक्चुअली में ये हमारी चीज़ों को उल्टा पुल्टा किया जा रहा है, हम अपने ग्रहों को खुद ब खुद ही ख़त्म कर रहे हैं, चीज़ें खराब करते जा रहे हैं, अपनी तबीयत खराब करते चले जा रहे हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा तक नहीं कि ऐसा क्यों होता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस हो चुका है। पहले के ज़माने में लोग इसलिए बैठ कर नहाया करते थे, बैठ के नहाते थे, तो पहले पैर भिगाते थे, फिर घुटने, फिर शरीर का आधा अंग, फिर धीरे धीरे करके कंधे पर और फिर सर पर। ये जो प्रोसेस होता है अपने शरीर में पानी को डालने का, इससे आपकी बीमारियाँ दूर होती हैं, आपका प्रेशर कंट्रोल होता है, सारे ग्रह जो है आपके वो सही होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये करता कौन है आजकल, कोई भी नहीं। तो चलिए गंगा जी नहाने से क्या होता है कि किसी नदी में नहाते हो, किसी पोखर में, किसी तालाब में नहाते हैं, तो क्या होता है कि जैसे जो नहाने का प्रोसेस है, पैर में पहले पानी जाती है, जब आप उसके अंदर डुबकी लगाते हो, डूबते हुए जाते हो ना, पहले पैर में जाती है पानी, फिर घुटने तक आते हैं, फिर उसके बाद आधा शरीर डूबता है, फिर सर डूबता है। ये जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस से ही चीज़ें आधी सुधरना शुरू हो जाती हैं और बीमारियां कम होने लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं, लॉजिक है इसके पीछे। ज़रूर से ज़रूर आज के दिन गंगा नहाइए, नदी नहाइए, पोखर नहाइए, तालाब नहाइए। और घर पर जो व्यक्ति नहा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा एज हो गया है, जिनको कोई बहुत ज़्यादा रोग है, जो नहीं बाहर निकल सकते, जहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, इन सब जगहों पर आप नहीं कर सकते, तो कम से कम कोई भी होली वाटर
या अमेजन वगैरह में गंगा जल आजकल अवेलेबल हो जाता है, मंगवा लीजिए। मंगवा कर नहाने वाले पानी में थोड़ा सा भी डालकर अपने सर के ऊपर से ज़रूर नहाइए, इसको हर रोज़ नहाइए। आप इससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको समझ आएगा, लेकिन गंगा दशहरा वाले दिन ज़रूर से ज़रूर आपको गंगा जी का इस तरह से उपयोग करना चाहिए। और गंगा जी को प्रणाम करने के बाद ही गंगा में प्रवेश करें, कपड़े गंगा जी में ना धोले। बहुत सारे लोग हैं जो कपड़े वहीं पर धोना शुरू कर देते हैं, तो ये चीज़ें करने से अवॉइड करें, इन चीज़ों को ना करें। इसके अलावा आप आज के दिन तांबे के लोटे में जो भी व्यक्ति नहाने के बाद सूर्य को अर्घ देता है उसमें गंगा जल, कच्चा दूध, थोड़ा सा उसमें कुमकुम मिला लीजिए, लाल फूल दे दीजिए और ओम सूर्याय नमः कहकर अपने सर के ऊपर से सूर्य को अर्घ दीजिए। इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे गुड न्यूज़ेज आएंगे, आपकी रोग परेशानियां दूर होंगी, आपका सूर्य प्रबल होगा, प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट होगा, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आएंगी। इसके अलावा आज के दिन आप अगर तांबे के लोटे में गंगा जल भरते हैं और उसमें 5-6 तुलसी के पत्ते डाल देते हैं और इसको पूर्व दिशा में स्थापित करते हैं आज के दिन, यकीन मानिए आपके ज़िंदगी में आर्थिक समस्याएं चल रही होंगी तो वो ख़त्म हो जाएंगी, सूर्य आपका प्रबल हो जाएगा, आपकी दरिद्रता अगर आपके पीछा नहीं छोड़ रही है तो वो भी पीछा छोड़ देगी। इसके अलावा आपको क्या करना है, आज के दिन आप गंगा जल और तुलसी के कुछ पत्ते उसमें डालकर अपने घर के चौखट पे, अपने पूरे घर में उसका छिड़काव करें, ज़रूर से ज़रूर करें। आपका घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, जितनी नेगेटिव एनर्जी से घर से जाना शुरू कर देगी। आज के दिन लोबांग अपने घर पर ज़रूर दिखाएं, धुना ज़रूर करें। आज के दिन आपको सफ़ेद चीज़ों का दान ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, जब आप नहा लेते हैं तो उसके बाद चीनी हो गया, चावल हो गया, सफ़ेद वस्त्र हो गया, कोई भी नमक नहीं करना है, बाकी सारी चीज़ें सफ़ेद आपको आज के दिन दान अगर आप करते हैं तो आपका शुक्र मजबूत होता है। ज़िंदगी में से आपकी लग्जरी और जो आप जैसा रहना चाहते हो, लग्जरी लाइफ चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें पूरा होना शुरू हो जाती है। आज के दिन आपको ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि रविवार का दिन है और सूर्य जो है, रवि जो है, आज के दिन का ग्रह है, प्लैनेट है, तो इनकी भी पूजा अर्चना ज़रूर करें। आज के दिन अगर नमक का त्याग कर सकते हैं, नमक नहीं खाएंगे तो भी आपके लिए बहुत ही शुभ और उत्तम रहेगा, अच्छे रिजल्ट्स के लिए, अच्छे गवर्नमेंट जॉब। अगर आपने कहीं पे कॉम्पिटिटिव में बैठे हो, आप वेट कर रहे हो, किसी सरकारी काम में डिलेज हो रहे हैं, तो रविवार के दिन कम से कम नमक खाना छोड़ दीजिए, ज़िंदगी सवर जाएगी। यकीन नहीं होता तो आजमा के देखिए, कम से कम 2 सप्ताह कर लीजिए, 2 रविवार करके देख लीजिए। संडे मतलब हम लोग सोचते हैं कि सुबह सुबह नहीं उठना है, आराम से सोना है, चिकन मटन खाना है, नॉनवेज जो खाते हैं, छुट्टियां मनानी है, घूमने जाना है, आज थोड़ा रिलैक्स करना है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती ज़िंदगी में। कुछ पाने के लिए अपने चीज़ों को थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। संडे यानी कि रवि का दिन, सूर्य वाले दिन जो राजा है हमारे प्लैनेट का, उसी दिन अगर आप लेट से सोकर उठेंगे तो किस तरह से आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी, किस तरह से प्रमोशन होगा, किस तरह से इंक्रीमेंट होगा। तो स्पेशली संडे वाले दिन ज़रूर सुबह उठना चाहिए और सुबह उठकर सूर्य को अर्घ ज़रूर देना चाहिए। तो चलिए आज मैं इस बारे में बात कर रही थी, आशा करती हूँ आपको वीडियोज़ पसंद आ रहेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चाहे मुझे फेसबुक से देख रहे हो, इंस्टाग्राम से देख रहे हो, या फिर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हो, आप ही का परिवार का हिस्सा हूँ और माता रानी की दया से, कृष्ण राधे की दया से ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं, हम सबका एक साथ ग्रोथ हो, मैं यही चाहती हूँ। लाइफ में सब कुछ आपको मिले जिस चीज़ की कामना आप करते हैं। इसी के साथ सभी को राधे राधे, इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।